सब्सक्राइब करें जे आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जे आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जे आई ट्यूब चैनल। आज का स्मार्ट बताने वाला हूँ, जवाजात का एक स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग डोमेस्टिक वर्कर का ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि अगर उनका हुरूप में नाम है एब्सेंट फ्रॉम वर्क है स्टेटस, तो क्या डोमेस्टिक वर्कर ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस सिचुएशन में। वो एक स्टेटमेंट, एक किसी ने जवाजात को ट्विटर पे पूछा था सवाल, तो जवाजात ने इसका आंसर दिया है। वो आंसर क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन, उसमें जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए उसमें वीडियो बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप द जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाजात इन सऊदी अरब रिवील द कंडीशन एंड स्टेप्स फॉर ट्रांसफरिंग ए डोमेस्टिक वर्कर एंड वेदर इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर ए डोमेस्टिक वर्कर इन द केस ऑफ ए रिपोर्ट ऑफ हुरूप एब्सेंट फ्रॉम वर्क और नॉट। यानी जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने रिवील कर दिया गया है, यानी बताया है कि क्या कंडीशंस हैं, क्या हुरूप में जिसका नाम है वो ट्रांसफ़र ले सकता है एक कफील से दूसरे कफील, एक कंपनी से दूसरे कंपनी, क्या है इसकी कंडीशंस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स का, डिटेल में देखेंगे नीचे। दिस केम एज एन इंक्वायरी फ्रॉम वन ऑफ द बेनिफिशरीज टू द जवाजात आस्किंग आई एम अ डोमेस्टिक वर्कर and I am in Hurup status, can I transfer and the new sponsor is not satisfied with the absent from work status। यानी किसी ने जवाजात से सवाल पूछा था कि मैं एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ और मेरा स्टेटस हुरूप है, यानी एबसेंट फ्रॉम वर्क है और इकामा पे लगा दिया गया है हुरूप, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ अपने न्यू कंपनी न्यू कफिल के पास, लेकिन न्यू कफिल एग्री नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि मेरा स्टेटस एबसेंट फ्रॉम वर्क है। यानी पुराने कफील, जो एग्जिस्टिंग कफील जिसके अंडर में मैं काम करता हूँ, उसने मेरा नाम हुरूप में डाल दिया गया है, लेकिन न्यू कफील क्या बोल रहा है ये एब्सेंट फ्रॉम वर्क हटाओ, तो क्या इस सिचुएशन में मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ पॉसिबल, ये जवाजात से पूछा गया था सवाल। तो जवाजात ने क्लियरली स्टेप्स इसकी कंडीशंस बताएंगे कि आप किन सिचुएशन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने कफील से दूसरे कफील के पास। वो कंडीशंस यहाँ देखें, नंबर वन है द करंट एम्प्लॉयर वेव द सर्विसेज ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर थ्रू द एब्सेंट प्लेटफॉर्म। यानी जो आपका करंट कफील है वो आपको अलाउ करना चाहिए कि आप दूसरे कफील दूसरे कंपनी के पास ट्रांसफ़र लेंगे, तो आपका कफील अलाउ करना चाहिए आपको और वो उसकी रजामंदी चाहिए, और वो अपना अगर आपका नाम हुरूप में है एब्सेंट फ्रॉम वर्क है तो हटाना चाहिए, तो उसके बाद ही होगा, नंबर वन। नंबर टू है द अप्रूवल ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर एंड द न्यू एम्प्लॉयर टू रिक्वेस्ट द ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज थ्रू एप्सेंट विद इन 7 days। यानी अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं न्यू कफिल न्यू कंपनी में तो थ्रू एप्सेंट पॉसिबल है और विद इन 7 days के अंदर आपको लेना होगा, यानी रिक्वेस्ट जब भेजी जाएगी तो आपको 7 days के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। नंबर थ्री है द रिकॉर्ड ऑफ द न्यू एम्प्लॉयर एंड डोमेस्टिक वर्कर मस्ट बी फ्री ऑफ ट्रैफिक वायलेशन। यानी आप जिसके पास ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसका कोई वायलेशन रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, यानी वायलेशन है भी तो पेड रहना चाहिए, और आपका खुद का भी कोई वायलेशन बैलेंस नहीं रहना चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक वायलेशन हो या जो भी हो, वायलेशन वो क्लियर रहना चाहिए। नंबर थर्ड है द डोमेस्टिक वर्कर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड एज हुरूप और एब्सेंट फ्रॉम वर्क इन द सिस्टम। यानी आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपका हुरूप में नाम नहीं रहना चाहिए, ट्रांसफ़र लेने से पहले आपको अपने कफील या कंपनी से रिक्वेस्ट करना होगा हटाओ नाम, उसके बाद ही आप न्यूज़ में ले सकते हैं न्यू कफील में न्यू कंपनी में। नेक्स्ट क्या है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफ़र फॉर डोमेस्टिक वर्कर सर्विसेज इज़ ओनली 4 times। यानी आप डोमेस्टिक वर्कर के लोग सिर्फ 4 बार ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी आप पहली बार ट्रांसफ़र ले रहे हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी कफील के पास, फिर चौथे, 4 बार ही आपको अलाउ किया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट जाना होगा। नंबर फिफ्थ है इट इज़ रिक्वायर्ड दैट देर बी 15 days और मोर इन इकामा ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर अपॉन असाइनमेंट पे द ट्रांसफ़र सर्विस फी। जो भी ट्रांसफ़र सर्विस फी है वो आपको पे करनी होगी, या आपका आप या कफिल पे करेगा। तो ये कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि जवाजात ने रिवील की है कि हुरूप में अगर आपका नाम है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, आपका कफिल हटाएगा तो ही ये पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो में बताया था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग हुरूप ट्रांसफ़र के बारे में कि डोमेस्टिक वर्कर ले सकता है या नहीं ले सकता है और क्या उसके कंडीशंस हैं। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अपने मेरे चैनल को देख लिया नेक्स्ट वीडियो में।